इन दिनों शहडोल जिले में साइबर क्राइम के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक साइबर क्राइम का मामला सामने आया है, जहां मदद के लिए मांगे मोबाइल की सिम बदलकर फोन पे के माध्यम से कई हजार की चपत लगा दी, जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मदद के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले चार शातिर बदमाश के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर दो साइबर क्राइम करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले का एक अन्य दो आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी कोतवाली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। कोतवाली अंतर्गत सौकी मोहल्ले में रहने वाले राहुल तिवारी 17 अगस्त को अपने पानी प्लांट के पास गाड़ी से डीजल निकाल रहा था। ठीक इसी दौरान उसका एक साथी रोहित वर्मा उसके डीजल निकलवाने के लिए राहुल के मोबाइल का टार्च दिखा मदद कर रहा था। उसी दौरान गोलू बिहारी नामक युवक आया और राहुल के गैर मौजूदगी में रोहित वर्मा की मदद से राहुल तिवारी के मोबाइल से सिम बदला और राहुल के खाते से 77,000 रुपये किसी शुभम बनवाल के नाम खाते में फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया। इस मामले का खुलासा ना हो जाए इसके लिए आरिफ नाम का युवक की मदद से फोन पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने की मदद लिया। इस पूरे मामले से अनजान राहुल ने कोतवाली में शिकायत की। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने गोलू बिहारी सहित शुभम बनवाल, रोहित वर्मन, आरिफ जो कि इस पूरे मामले में संलिप्त थी, सभी चारों के खिलाफ धारा 420 की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गोलू बिहारी व आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले के रोहित वर्मन और शुभम बनवाल अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिसको कोतवाली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। शहडोल से सतीश कुमार नामदेव की रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल तिवारी, शहडोल का रहने वाला हूं। मेरा आरोप प्लांट चलता है, जिसमें से रोहित वर्मन ने मेरी सिम निकाल करके किसी अदर व्यक्ति को दी है, जिसका नाम है अंशुल मिश्रा। उसने धोखा से मेरा सेंट्रल बैंक के अकाउंट वाले सिम को एक्टिवेट करके फोन पे सिम माध्यम से उसने शुभम बनवाल को ट्रांसफर किया है। 77,142 रुपए उसने ट्रांसफर किए, कई किस्तों में किया है। आपको कब इस मामले की जानकारी लगी? मेरे को इस मामले की जानकारी 20 तारीख को लगी है, जब मेरी सिम बंद थी। सोचा कि पानी की बरसात के कारण टावर ना होने के कारण लगता है कि सिम नहीं चालू है। फिर मैंने बैंक गया, वहाँ पूछा, बताया गया कि इस फोन पे से इसका पैसा ट्रांसफर हुआ है इसके अकाउंट, शुभम बनवाल के अकाउंट में। फिर क्या किया? फिर मैंने तुरंत अपनी सिम एक्टिवेट करवाई, मैंने देखा तो उसमें कई ट्रांजेक्शन किए गए थे। मैंने फिर इसका इस फोन पे को लेकर के मैं थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर क्या हुआ? फिर कोतवाली पुलिस ने अभी धोखाधड़ी का मामला कायम किया है। क्या मामला है? अभी एक मामला आया है, राहुल तिवारी पिता रामबली तिवारी ने रिपोर्ट किया कि घटना दिनांक 17/8/2022 को शाम को 7 बजे है। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो अपना मोबाइल अपने साथी को दे करके अपने घर चला गया था, जिस पर उसी दौरान एक लड़का आया, गोलू बिहारी उर्फ अंशुल मिश्रा, जिसने उसका मोबाइल धोखे से लिया और सिम निकाल लिया। उसके पश्चात उसमें एक दूसरा पुराना बंद सिम लगा करके वापस कर दिया। उसके बाद जब फरियादी को मोबाइल मिला, उसमें टावर नहीं था, देखा कि ये मोबाइल में सिम नहीं है या बंद है। उसके बाद उसने बैंक गया, बैंक से मालूम चला कि उसके उस मोबाइल नंबर से लिंक फोन पे से करीबन 80,000 रुपये गायब हैं, जिस पर तत्काल क्या बोलते हैं उसने पूछताछ की, बैंक से जानकारी की, तो मालूम चला कि उसको संदेह हुआ कि गोलू बिहारी ने ही उसकी सिम निकाल ली है। तत्काल उसने पुलिस पे रिपोर्ट की, जिस पर हमने तत्काल एक्शन लेते हुए FIR दर्ज करके तत्काल आरोपी गोलू बिहारी और उसके साथी आरिफ को पकड़ लिया है, जिनके कब्जे से वो सिम और मोबाइल जब्त हो गया है। और चूँकि जो अमाउंट था 80,000 रुपये, उसने अपने साथी शुभम को भेज दिया है, जो कि अभी वर्तमान में इंदौर में है, जिसकी तलाश पतरसी जारी है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।